नमस्कार एंड जय हिंद मेरे साथियों। फोर व्हीलर में देखते हैं आप, सीट बेल्ट बहुत बढ़िया लगाए हैं, शाबाश। क्या करते हैं सर आप? टीचर हैं। सैल्यूट सभी टीचर्स को, सैल्यूट जितने भी ये देख रहे हैं टीचर्स, सबको सैल्यूट है आप, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। आपने हमें पढ़ाया, इस काबिल बनाया। हम तो बहुत छोटी पोस्ट में हैं, कई लोग आप ही की कृपा से, आप ही के आशीर्वाद से अच्छे अच्छे पोस्ट में गए हैं और अच्छा जीवन सफल बनाए हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं आप लोगों से कि फोर व्हीलर में क्या क्या पेपर्स लेके अपन को चलना चाहिए। सर प्लीज़ थोड़ा बाहर आएँ, मैं सभी दर्शकों को अपने दिखाना चाहता हूँ कि गाड़ी में क्या क्या होना चाहिए। अगर आप फोर व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं तो आपकी गाड़ी कैसी होनी चाहिए, उसका गाड़ी का नंबर कैसा होना चाहिए, ये सारी बातें मैं बताना चाहता हूं। तो ये आप देख सकते हैं, ये प्लेट जो है इसे HSRP नंबर प्लेट कहलाती है, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट। और ये HSRP बहुत ही ज़्यादा अगर हम देखें तो प्रोटेक्टेड है, जो भी अपने कैमरे लगे हुए हैं। कई दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो ये नंबर प्लेट परफेक्ट है, ठीक है। और अब एक नया नंबर प्लेट की भी बात हो रही है और उस पर अब मंत्रालय में काफ़ी चर्चा चल रही है कि टोल जो है आपका, टोल भी ये नंबर प्लेट देख के ही कट जाया करे, तो आपको अलग से रुकने की आवश्यकता नहीं है टोल प्लाजा में। तो ये किस है आप देख सकते हैं इस कार पे, सर आप पे ये L मार्क लिखा हुआ था, कोई लर्नर भी बैठता था कभी इस पे क्या? हाँ। अच्छा, तो ये आप देख जैसे देख सकते हैं आप इसमें, अगर कोई लर्नर लाइसेंस वाला गाड़ी चला रहा है तो आपको L मार्क जो है रेड कलर से, और इसी पैमाने पर कितना स्क्वायर पे होना चाहिए, कितनी लेंथ होनी चाहिए, कितनी वेथ होना चाहिए, इस हिसाब से अकॉर्डिंग से आपको आगे और पीछे दोनों तरफ L मार्क होना चाहिए। तो चलिए फिर से बात शुरू करते हैं अपन, फोर व्हीलर में क्या क्या पेपर सफर को लेकर चलना है। तो हम बताएं आपको, सबसे पहले ज़रूरी है आपके, आप फोर व्हीलर अगर ड्राइव करते हैं तो सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं। सीट बेल्ट आपको लगाना है जो ड्राइव कर रहे हैं, और जो बगल में बैठे हुए हैं उनको भी सीट बेल्ट लगाना है, और जो पीछे बैठे हुए हैं, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं सभी से ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो पीछे बैठते हैं वो भी सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं। और सीट बेल्ट बिना लगाए अगर आप चलते हैं तो बहुत ज़्यादा जोखिम कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के साथ बहुत ज़्यादा जोखिम ले रहे हैं, क्योंकि अभी दुर्घटना हुई है जिसमें पीछे से जो बैठे हुए यात्री हैं वो एक्सीडेंट के दौरान उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल ना करें, अगर आप पीछे बैठते हैं तो अवॉइड मत करें। पीछे जो बैठे हुए हैं बैक सीटर भी, उनके लिए भी सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी हो गया है। तो ये आप कार पे देख सकते हैं अपन को, और सबसे पहले हमने बताया HSRP नंबर प्लेट होना चाहिए आपकी। फोर व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं तो सीट बेल्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे थोड़ा ही 1 किलोमीटर का ही सफ़र आप क्यों ना करें भाई। जैसे एक आदत बना लीजिए, जैसे ही आप गाड़ी में बैठिए, आपने गाड़ी को स्टार्ट किया, गाड़ी को आपने स्टार्ट किया, वैसे ही आपको सबसे पहले सीट बेल्ट लगाएं, मतलब कि गाड़ी पे बैठे आप सीट पे और सीट बेल्ट लग जाए, ये आदत पे ले आएंगे तो बहुत अच्छा होगा। क्या क्या पेपर अपन को लेके चलना है तो चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है RC, जो आपका होता है रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है, जब गाड़ी का जो जिसपे रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है, ऑनर्स नेम रहता है, रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है। तो सबसे पहले है RC। तो क्या RC आपको ओरिजिनल लेके चलना चाहिए हमेशा, ये कई बार डाउट्स रहते हैं मन में, डाउट्स रहते हैं लोगों के कि क्या हमको ओरिजिनल पेपर लेके चलना चाहिए। तो मैं आज यही डाउट क्लियर करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ ये चीज़ समझ जाइए कि हमको जो ओरिजिनल पेपर्स हैं गाड़ी के वो लेके चलना अनिवार्य नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। आप उनको M परिवहन या डिजी लॉकर में रख सकते हैं, और जब कभी भी चेकिंग होती है तो आप उनको मोबाइल पर दिखा सकते हैं। कई बार दोस्तों ने बोला है कि, पूछा है हमसे कमेंट्स के माध्यम से, पूछते रहते हैं लोग कि सर क्या M परिवहन या डिजी लॉकर में रखें तो वो वैलिड है कि नहीं है। तो मैं आप सभी से बार बार यही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि M परिवहन पे और डिजी लॉकर पे ये टोटली वैलिड है, और आप किसी को अगर दिखाते हैं तो उस पर आपका चालान नहीं, ठीक है। तो सबसे पहली बात है आपका नंबर वन डॉक्यूमेंट सर RC और रखना है। सेकेंड आपका PUC होना चाहिए, PUCC पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट PUCC होना चाहिए। और PUCC एक्चुअली नई गाड़ियों में 1 साल तक के लिए आप PUCC की ज़रूरत है नहीं, 1 साल बाद PUCC की आवश्यकता पड़ती है, और वो
एक एक साल के लिए, छः छः महीने के लिए, जैसे अपने एमपी में छः महीना चल रहा है अभी, तो स्टेट वाइज ऐसे तो एक साल तक के लिए देने का। तो ये PUCC आपका होना चाहिए, मतलब कि आपकी गाड़ी से किसी प्रकार का प्रदूषण तो उत्सर्जित नहीं हो रहा है, तो जो प्रदूषण उत्सर्जन केंद्र बने रहते हैं, जो आप अपना जो कह सकते हैं पोल्यूशन अंडर कंट्रोल बोर्ड बना हुआ है, इनमें जाके PUC बन जाता है, इजिली बनता है, कोई उसमें बहुत टेंशन वाली बात नहीं है। तो वही PUCC होना चाहिए आपके पास, इसको भी आप एम परिवहन में या डिजी लॉकर में रख सकते हैं, इसको अपने साथ ओरिजिनल कैरी करना ज़रूरी नहीं है। तीसरी चीज़ जो है आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इस गाड़ी के लिए अगर आप प्राइवेट अपने फोर व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं, तो आपको LMV लाइट मोटर व्हीकल जो LMV का जो बनता है लाइसेंस, वो वैलिड होता है LMV टू व्हीलर के लिए, फोर व्हीलर के लिए, और साथ ही साथ कमर्शियल व्हीकल जो कि 7500 किलोग्राम तक की वजन के होते हैं, उनमें LMV से आप चल सकते हैं। देखिए ये अभी नया नियम जुड़ा हुआ है इस पे, जो एक कमर्शियल व्हीकल हुआ करते थे, पिकअप वगैरह जो अपने होते हैं या छोटी गाड़ियां जो होती हैं कमर्शियल पर्पज से यूज होती हैं सर, उनमें अभी तक क्या होता था कि अलग से लाइसेंस बनवाना पड़ता था, लेकिन अब जो है उस पे भी LMV पे वो चलाए जा सकते हैं। तो LMV पे टू व्हीलर, फोर व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल जो 7500 किलोग्राम से ज़्यादा के नहीं है, उनको LMV में चलाया जा सकता है। तो ये आपके पास LMV लाइसेंस होना चाहिए। मैं आप सभी से फिर से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि LMV वैलिड होना चाहिए, लर्नर लाइसेंस से आप अकेले ड्राइव नहीं कर सकते हैं। फोर व्हीलर पे आप अगर ये सोचे कि मेरे पास लर्नर लाइसेंस है और मैं गाड़ी लेके चल सकता हूँ, तो जो लर्नर लाइसेंस के लिए मैंने एक्चुअली एक वीडियो बनाया है, प्लीज़ उसको जाके देखिएगा आप सभी। उस पर मैंने बहुत ही डिटेल से लर्नर लाइसेंस के बारे में बताया है कि L मार्क होना चाहिए, जो गाड़ी पे जो गाड़ी चला रहा है लर्नर लाइसेंस जिसके पास है उसके साथ एक वैलिड लाइसेंस वाला बगल में बैठना चाहिए, कि अगर मान लीजिए गाड़ी बहक जाए कहीं से तो उसको कंट्रोल कर सके। तो ये बात तो है। साथ ही साथ हमको लर्नर लाइसेंस में पीछे किसी को नहीं बैठा के चलना। कुछ दो तीन बिंदु हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और उस वहाँ से आप लर्नर लाइसेंस वाले वीडियो को पूरा देखिए, आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी लर्नर लाइसेंस वाली। तो ये हो गई आपकी लाइसेंस की वैलिडिटी, आपको वैलिड लाइसेंस लेके चलना चाहिए, और इस लाइसेंस की भी आपको ओरिजिनल कॉपी रखने की ज़रूरत नहीं है, इसकी भी आप फोटो कॉपी रख सकते हैं, या तो आप वो भी ना करके डिजिटल फॉर्म पे आप रख सकते हैं एम परिवहन पे या डिजी लॉकर पे। नेक्स्ट जो होता है वो होता है इंश्योरेंस, बीमा, गाड़ी का बीमा। गाड़ी के बीमा कैसा होना चाहिए, मैंने बताया लोग आधा अधूरा बीमा पे भी चलते हैं। आधा अधूरा बीमा मतलब कि समझ लीजिए कि फर्स्ट पार्टी बीमा नहीं रहता, थर्ड पार्टी बस बीमा है। उनका तो ये है कि पुलिस से बचना है हमको बस, पुलिस तो थर्ड पार्टी बीमा में भी जुर्माना नहीं करती है, क्योंकि बीमा में ये नियम कहीं है नहीं कि आपको ये शर्तें होनी चाहिए, बीमा होना चाहिए तो पुलिस क्या उसको चालान नहीं करती है। थर्ड पार्टी का बीमा है तो आपका चालान फिर गाड़ी का नहीं होता। एक्चुअली आपके लिए अगर बताएं तो फर्स्ट पार्टी बीमा भी बहुत ज़रूरी होता है। ये गाड़ी है आपकी गाड़ी है, इसको कुछ हो जाए, खरोंच लग जाए, क्षतिग्रस्त हो जाए, डैमेज हो जाए या चोरी हो जाए, तो ऐसी दशा में आपको क्लेम कैसे मिलेगा अगर आपने फर्स्ट पार्टी बीमा कराया ही नहीं है। आप शुरुआती तौर पे कंपनी से 5 साल का बीमा मिलता है, उस 5 साल के बीमा में 1 साल जो है वो फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी दोनों रहते हैं, और उसके बाद 1 साल बाद फर्स्ट पार्टी बीमा ख़त्म हो जाता है और वो 5 साल तक क्या चलता है, थर्ड पार्टी बीमा। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ बीमा जो है आधा अधूरा ना कराएं। इसके लिए आप बीमा वाला मेरा वीडियो भी देख सकते हैं, आपको पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आपको इस पे 5 साल का जो बीमा कंपनी देती है वो एक्चुअली पूरी तरीके से 5 साल का बीमा नहीं होता है, उस पे फर्स्ट पार्टी का 1 साल का होता है और थर्ड पार्टी का 5 साल का होता है। तो प्लीज़ इस पे भी आप फोकस कीजिएगा। इंश्योरेंस की कॉपी रखना है आपको, नहीं रख सकते हैं तो आप उसको एम परिवहन में रखना है, एम परिवहन में रख सकते हैं, डिजी लॉकर में रख सकते हैं। तो ये सभी से रिक्वेस्ट है कि जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, कि अक्सर क्या होता है कि हम तो आप देख सकते हैं इस चीज पे आपको ये चौथी जो पेपर है आपका वो है इंश्योरेंस, वो इंश्योरेंस की आप डिजिटल फॉर्म में भी आप रख के चल सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। और फोर व्हीलर में
और क्या पेपर्स रख सकते हैं हम? तो रखने का तो आप अपना पूरा आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो जो रखना है वो आप रखिए। जिसको पेपर्स कॉपी रखने में दिक्कत नहीं है वो सब रख लो भाई, हैं, वो तो आपकी इच्छा है, लेकिन आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता। मैंने जो आपको चार जरूरी पेपर बताए हैं सर, यही चार पेपर आपके लिए ज़रूरी है। यही चार पेपर आपको हमेशा साथ में रखना चाहिए, चाहे वो डिजिटल फॉर्म में रख लें, चाहे आप उसकी फोटोकॉपी, जेरॉक्स कॉपी रख लें। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई है सर। और आप तो टीचर्स हैं, मैं चाहता हूँ कि आप जो है इसको स्कूल में भी और जहाँ जहाँ जितने हम संपर्क में लोग हों सबको जो है ये चीज़ें समझाएं। और बिल्कुल भी जो है डर लोग अचानक पे, हम कभी भी ट्रैफिक सिग्नल पे हैं, हाँ, कब कब ओरिजिनल की आवश्यकता पड़ती है ये भी मैं आप लोगों को बता दूं कि जब कभी भी अपन कोई नियम तोड़ देते हैं या जाने अनजाने गलती हो जाती है हमसे, कोई नियम टूट जाता है और ऐसी स्थिति में हमारे पास पैसे भी नहीं है तत्काल जुर्माना भरने के, और पेपर जब्ती का आता है, संभावना बनती है, तब आपके ओरिजिनल पेपर मांगे जाते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं। तो सभी को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि अपन को केवल चार पेपर लेके चलना है अपने साथ, और वो भी किस फॉर्म में, आप उसको डिजिटल फॉर्म में रख सकते हैं ऑल ओवर इंडिया में। आपको अब किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई रोकती है पुलिस तो आपको पूरा कोऑपरेट करना है, रुकना है और पोलाइट, बहुत ही पोलाइटली उनसे पूरी तरीके से अपनी बात रखना है। और प्लीज़ बिल्कुल भी डरना नहीं है। जय हिंद।